सर अक्षय कुमार की नई मूवी आ चुकी है OMG पार्ट 2, कैसी लगी सर? बहुत ही शानदार, एक नंबर पैसा वसूल फिल्म, क्योंकि अगर ऐसी फिल्में आती रहेंगी तो हमारे धर्मों को लेकर जो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार है वो होता रहेगा। क्योंकि देखिए OMG जब 2 अनाउंसमेंट हुई थी तो लोगों को लगा था कि ये फिर हमारे धर्मों को या हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे अपने डायलॉग्स के द्वारा, अपने उठाए गए सवालों के द्वारा, लेकिन नहीं, ये फिल्म टोटली डिफरेंट है। इसमें जिस हिसाब से उत्तर दिए गए हैं, मतलब कि देखिए और एक चीज़, मतलब हमारे धर्मों को लेकर, तो वो खूबियाँ बताई गई हैं इस फिल्म में, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस इसमें जो पंकज त्रिपाठी हैं तो वो मतलब एक आम आदमी रहते हैं, ठीक है, जो अपने बेटे के लिए कटघरे तक पहुँचते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। मैं ज़्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं, लेकिन बताइए आम आदमी उनको मतलब वक्त खुद का। अच्छा सर, आपने आपको कुछ चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्शियल टाइप में लगी फिल्म के अंदर? नहीं नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं लगी। कंट्रोवर्शियल तब होती जब ये फिल्म OMG 1 जैसी होती, क्योंकि वो टोटल कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए OMG नहीं। देखिए क्या था कि उसमें पार्ट वन में परेश रावल थे, ठीक है, तो धर्मों को लेकर वो नास्तिक थे, ठीक है, तो धर्मों को लेकर सवाल खड़े करते थे कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मोमबत्ती क्यों चढ़ाते हो, मतलब दरगाह में लगाते हो, ये चादर वादर क्यों चढ़ाते हो दरगाह में, मोमबत्ती चर्च में क्यों लगाते हो, दूध क्यों चढ़ाते हो महादेव पे, ऐसे सवाल करते थे कौन, परेश रावल, नास्तिक थे। इसमें पंकज त्रिपाठी आस्तिक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस सनातन धर्म की खूबियां बता रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसा से ऐसा होता है, ऐसा से ऐसा होता, तो इससे हर एक हिंदुस्तानी का ना छाती चौड़ी हो जाएगी इस फिल्म को देख। क्या लगता है फिल्म कमाई करेगी? बिल्कुल कमाई करेगी 100%। और कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं इस फिल्म को दूंगा सर 5 में से 5 स्टार।